उज्जैन में 38 लाख रुपए के नोट से बाबा गणेश का दरबार सजाया गया। सजावट में 10 रुपए के नोट से लेकर 2000 रुपए तक के नोटों का उपयोग किया गया। मनोकामना पूरी होने पर एक यजमान के द्वारा अनूठा श्रृंगार करवाया गया। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे 10 भुजाधारी मंदिर बना हुआ है। यूं तो कई सारे मंदिर बने हुए हैं, लेकिन इस मंदिर की खासियत यह है कि यह उज्जैन के चक्रतीर्थ शमशान में बना हुआ है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा गणेश मंदिर है जो शमशान में बना हुआ है। हाल ही में एक भक्त की मनोकामना पूरी होने पर भक्त के द्वारा भगवान गणेश का विशेष श्रृंगार करवाया गया। श्रृंगार में 38 लाख के नोटों से भगवान गणेश के दरबार को सजाया गया। मंदिर प्रांगण से लेकर मंदिर के हर जगह पर नोट से विशेष सजावट की गई। मंदिर के पुजारी हेमंत इंगले ने बताया कि मंदिर में भगवान गणेश की प्रतिमा विराजित है, जिनकी गोद में उनकी पुत्री संतोषी भी विराजित है। भगवान गणेश की ऐसी प्रतिमा बहुत दुर्लभ है, जिनके दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामना पूरी होती है। मंदिर में अब तक मोबाइल श्रृंगार, फल फ्रूट श्रृंगार जैसे कई तरह के श्रृंगार किए जा चुके हैं। ऐसा पहला मंदिर है जहाँ पे गणपति विराजित है। किसी दुनिया में शमशान में गणपति विराजित नहीं है, और यहाँ लोगों की जो श्रद्धाएं पूरी होती है, 5 बुधवार होने पर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और जो जैसा चाहे वैसा श्रृंगार कराते हैं। इस बार लोगों ने और कुछ जिजमानों ने नोटों का श्रृंगार करने की प्रार्थना की थी, तो नोटों का श्रृंगार किया गया। कितने से लेके कितने तक का है ये? कम से कम 38 लाख रुपए का श्रृंगार किया गया है। कितने मतलब 10 कौन कौन से नोट आपने लगाए हैं इसमें? 10 से लेकर 2000 तक के नोट हैं। इसके पहले भी मोबाइल से श्रृंगार किया गया? इसके पहले मोबाइल से श्रृंगार किया गया था, फिर राजगिरे के लड्डू से किया गया था, फिर मिर्ची से किया गया था। अति सुंदर श्रृंगार होते हैं यहाँ पर। हर बुधवार और चतुर्थी पर अलग अलग प्रकार का श्रृंगार किया जाता है। यजमानों के द्वारा, यजमान जैसा बोलते हैं ऐसा श्रृंगार करा जाता है। जैसे पिछली बार मोबाइलों का श्रृंगार करा गया था, उसके एक बार पहले राजगिरे के लड्डू का करा गया था, शिमला मिर्ची का करा गया था, और इस बार यजमान के कहने पर अलग अलग प्रकार के नोट का करा गया है, जिसमें 10 रुपये से लेकर 2000 के नोट तक का करा गया है। कितना समय लगा आपको श्रृंगार करने में? पूरा एक दिन लग जाता है श्रृंगार करने में। एकमात्र ऐसा मंदिर है जो उज्जैन में विराजित है। जी हाँ, हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी प्रतिमा जिसे देखकर आप अलौकिक हो जाएंगे, और विश्व में ऐसी प्रतिमा आपको दूसरी कहीं नहीं देखने को मिलेगी। ये शमशान में विराजित है, और एक ऐसी प्रतिमा है जिसमें संतोषी माता उनकी गोद में बैठी हुई है। 10 भुजा नाथ मंदिर यह कहलाता है, और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, और अलग अलग प्रकार के हर चतुर्थी हर बुधवार को यहाँ पर श्रृंगार किया जा रहा है। और इस बार जो श्रृंगार किया गया है वो 10 रुपये से लेके 2000 के नोटों से यहाँ पे सजाया गया है, और काफ़ी सुंदर मंदिर को यहाँ पे सजाया जाता है। आप देख सकते हैं कि इसमें 100 के नोट हैं, 200 के नोट हैं, 50 के नोट हैं, हर तरह के नोट जो मार्केट में चलते हैं 10 रुपये से लेके 2000 तक के, उन सारे नोटों से यहाँ पे श्रृंगार किया गया है। इससे पहले मोबाइल का श्रृंगार किया गया था, फिर अपने जो लड्डू होते हैं उनका श्रृंगार किया गया था, और इनका जो रूप है भगवान 10 भुजा नाथ, यहाँ पे इनको नाम से जाना जाता है, और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है उस हिसाब से यजमान यहाँ पे श्रृंगार करवाते हैं, और उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बिंडवाल की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।